नमस्कार प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। जी हाँ, डोमिसाइल का जो ये मुद्दा है ना, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी बिहार में नौकरी की बात होती है, शिक्षा विभाग की बात होती है, शिक्षकों की बात होती है, बच्चों की बात होती है, अभ्यर्थियों की बात होती है, स्टूडेंट की बात होती है, तो ये डोमिसाइल नीति का बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समय समय पर जो है डोमिसाइल नीति की मांग उठते रहती है, लेकिन बात है कि बात तो होता है लेकिन कोई नतीजा पे नहीं पहुंच पाता है। तो अभी जो है फिर से मांग जोर हो गया है। तो हम सोचे ना कि जो लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं। खासकर हमारे जो युवा वर्ग है, देश का युवा वर्ग जो है, हमारा बिहार का जो युवा वर्ग है, वो इस पर क्या सोचता है। कहा कि भाई तर्क तो अलग अलग दिया जाता है कि बिहार का जो लोग है वो पहले, अगर बिहार में इतना बेरोजगारी है तो पहले बिहार को नौकरी मिलेगा, तो फिर दूसरा लोग ये भी कहता है कि भाई जिकरा में टैलेंट होगा वो नौकरी ले लेगा। अच्छा है, हमने सब लोग जो है बिहार से बाहर जाकर नौकरी करते हैं तो वो लोग बिहार के अंदर नहीं आएगा। तो खैर बात तो बहुत सारा है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि सारा बात उन्हीं के बीच में हो। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी जनता के बीच में। छात्र इसमें जो कहा जाए तर्क देते हैं कि जब बिहार में पहले से इतनी बेरोजगारी है तो फिर कैसे हम ये मान लें कि दूसरे लोग आकर भी हमारी नौकरी में से ही हमारा हिस्सा ले जाए। देखिए, बिहार में डोमिसाइल 100% लागू होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जो अपने यहाँ डोमिसाइल लागू किए हुए हैं। असम को देख लीजिए आप, झारखंड को देख लीजिए, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं। तो डोमिसाइल और बिहार जैसे प्रदेश जहाँ इतनी बेरोजगारी है, सीमांचल के पूरे इलाके को आप देख लीजिए, कोसी के इलाकों को देख लीजिए, बेरोजगारी, बाढ़, तमाम चीज़ों से जो पूरी तबाही है, तो यहाँ जो युवा हैं विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं पढ़ के, नौकरियों के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो डोमिसाइल एकदम लागू होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने जो है वो बिहार से बाहर की बात कही है, तो हम थोड़ा सा बिहार से बाहर निकलते हैं। फिर एक तर्क ये भी तो दिया जाता है कि हमारे भी लोग तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ लोग क्यों नहीं आ सकते। लेकिन वैसे कई भी राज्य हैं जो डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, तो आप तो पहले यहाँ के लोगों को ये मौका तो दीजिएगा, आप अपने राज्य के लोगों को दीजिए। तो राज्य सरकारें तो इसीलिए बनती हैं, संविधान के भीतर समवर्ती सूची और तमाम जो चीज़ें बनी हुई है, तो सबके अपने अपने अधिकार बटे हुए हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को मौका पहले मिले, अगर बच जाती है तो लोगों को दीजिए, क्योंकि कई ऐसे राज्य मौका नहीं दे रहे हैं। अभी जो है वो देखिए कि सोशल मीडिया पे ये भी एक चर्चा शुरू हो गई थी कि बहुत सारे लोग जो है वो डोमिसाइल का फायदा लेने के लिए, या फिर बिहार में जो है वो अलग अलग चीजों का जो है कहा जाए फायदा लेने के लिए, उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर जमीन खरीद लिया, एक डिसमिल दो डिसमिल जो भी होता है वो जमीन खरीद के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, और उसके बाद जो है उन्होंने नौकरी ली है। तो इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, बताइए। आपका कहना भी सही है, मैंने भी ये कहीं आर्टिकल पढ़ा था, लैंड स्कैम करके जो हुआ था। मैं तो ये बोलना चाहूँगा ना इसमें कि अगर कोई स्टेट अगर देना भी चाहता है तो वो स्टेट अपना एक रिजर्वेशन कर दे कि मैं 60% या 70% जॉब एक अपने स्टेट को, स्टूडेंट को जॉब दूंगा, बाकी रिजर्व कर देंगे, और बाकी का जो 30% है वो मैं बाहर से जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट से, वो एग्जाम आके दे सकते हैं। इससे तो ये होगा कि एक जो इस स्टेट के स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी लगेगा कि हाँ कॉम्पिटिशन है हमारे में भी, और बाहर से भी लोग आके दे रहे हैं एग्जाम। ये भी तो कहते हैं कि हमारे राज्य के भी लोग भी अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, तो फिर वो लोग भी नहीं आएंगे तो कल्चरल एक्सचेंज कहाँ से होगा, हमारा टैलेंट बाहर कहाँ से जाएगा, बाहर का टैलेंट हमारे यहाँ कहाँ से आएगा। जब तक कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा हम लोग सीखना कैसे स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से सीखते हैं। तो फिर वही चीज़, तो फिर दोनों बात आप ही ना कह रहे हैं। फिर डोमिसाइल अगर लागू हो जाएगा तो फिर तो डोमिसाइल का मतलब ही यही है कि बिहार के लोगों को पहले मौका मिले, बिहार ही के लोग जो हैं वो पहले रहें। परसेंटेज होना चाहिए कुछ, परसेंटेज होना चाहिए, मतलब लागू हो लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ हो, है ना। मतलब कुछ एक परसेंटेज हो जिसके तहत मान के दूसरे स्टेट का भी वो, लेकिन आप प्रॉपर तहत भेज रहे हैं उसमें आप अपना हक ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि देखिए कि छात्रों की मांग भी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इनको ये मना नहीं है कि बाहर से लोग ना आए, आए लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जिस तरह से यहाँ के लोग जो है जब बाहर जाते हैं तो कुछ नियमित शर्तों के साथ जाते हैं, कुछ बात कहा जाए जो लिखित बातें हैं, जो पहले से तय बातें हैं उनके साथ जाते हैं। लेकिन जब शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में हो रही थी तब इस तरह के कुछ खास नियम बनाए नहीं गए थे बिहार के लोगों के लिए बाहर के लोगों के लिए, वो सब लोग जो है वो स्वतंत्र थे। तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी दिक्कत जो है वो छात्रों को हुई, और वो दिक्कत आगे नहीं हो इसीलिए हमको लगता है कि डोमिसाइल की मांग की जा रही है। हालांकि हम जो है वो कोशिश करेंगे कि कुछ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह की नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करें और उनसे भी जाने। तो फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे हम लोग और देख रहे थे कि तमाम तरह का चर्चा हुआ हमारे बीच में, है ना, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टैलेंट की कमी है क्या, तो आपका इस पे क्या कहना है? वो तो पहले बोल चुके हैं, हम लोग का ये मैसेज है एक कि जैसे कि घर का जो गार्जियन होता है, जो ऑनरशिप होता है, वो पहले अपना घर को सुधारता है ना, कोई अपना घर को मजबूत करता है पहले। तो यहाँ का गवर्नमेंट बाहर क्यों मजबूत करने पे लगा, पहले उसका घर ही टूटा हुआ है, घर ही बिगड़ा हुआ है, तो वो पहले घर को सुधारे ना, बाहर क्यों सुधार रहा है, पहले वो घर को देखे। तो लास्ट मैसेज यही है हम लोग का, पहले वो अपने घर को, अपने बिहार को देखे, जो बिहार बिखरा पड़ा है। देखिए आपने एक तर्क दिया, अब एक तर्क जो हमेशा बार बार लोग देते हैं वो उस तर्क की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि गोतियारो जो होता है गांव में या फिर अभी भी शहर में भी बहुत सारे लोग जो साथ में रहते हैं, तो गोतियारो कैसे चलता है, हमारे यहाँ कुछ हुआ तो हम आपको बुलाएंगे, आपके यहाँ कुछ होगा तो आप हमको बुलाइएगा, है ना, जिस दिन जो है वो हम बुलाना बंद कर देंगे अगले ओकेजन से वो हमको बुलाना बंद कर देंगे। तो जैसे वो लोग रखा अपना, उन लोग का भी कुछ है ना ये, तो वैसे हम लोग भी रखेंगे, यहाँ का गवर्नमेंट भी वैसे ही कुछ आरक्षण दे। ये क्या है कि यहाँ बिहार में बाहर है ये वाला नहीं ना है, लूट नहीं ना चल रहा है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तरजीह हमें मिले, हाँ हम लोग का दर्ज है हम लोग को मिले। बिल्कुल, ये बहुत सीधी सी लाइन है और ये बहुत सी पतली सी, जिसको हम रेखा कहते हैं ना, कि पतली सी एक रेखा है कि हमारे यहाँ जो है वो पहले बिहार वासियों को तरजीह मिले, बाकी लोग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बिहार वासियों को कोई दिक्कत नहीं। मैम दिक्कत नहीं, डोमिसाइल अदर जगह में भी तो लागू किया, झारखंड में किया है और आंध्र प्रदेश में भी, शायद वहाँ पे भी किया है, बहुत जगह है। और इस बार जो 2025 में चुनाव आएगा ना मैम, इस बार जैसे बिहार के बच्चों को नीतीश सरकार रुला रही है और शिक्षा विभाग, इस बार 2025 में नीतीश सरकार को रुलाया जाएगा, बिल्कुल रुलाया जाएगा, हटाएंगे उनको बिहार से, यूपी वाले अदर स्टेट को नौकरी देते हैं ना, जाकर वहीं मांगे अपना वोट और वहीं के लोग वोट देंगे और वहीं पर वो करे राज। बार बार जो है वो टैलेंट पे सवाल उठता है कि अगर टैलेंट बिहार से बाहर है तो हम क्यों बिहार के बाहर के लोगों को नहीं लेके आएंगे, अगर और कहीं ना कहीं बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग भी तो बाहर जाते हैं। अगर शिक्षा मंत्री को यही सब लग रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं हो तो हम लोग यहाँ के नेताओं की क्यों वोट दें, जब हम लोग को यहाँ का छात्र हित में काम ही नहीं कर रही है तो हम लोग उनको क्यों उनको नेता माने, जब हम लोग को बीपीएससी के लागू कर दिया गया, जब नेता लोग लागू कर दिए कि छात्र को बीपीएससी देना है तो हमको बीपीएससी के माध्यम से ही चयनित नेता चाहिए, न कि अनपढ़ गवार नेता चाहिए। ठीक है, गवार नेता जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नीति बनाते हैं, नीति बनाते हैं और ऐसा राज करते हैं कि बिहारी बिहार को मजदूर बना के ऐसा गड्ढा में धकेल दे कि बाहर से आने वाले अंग्रेज की तरह नीति लागू करे। क्या लगता है आपको डोमिसाइल पे आपकी क्या? बिल्कुल लागू होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अगर बिहार में दे रहा है, अगर नहीं लागू कर रहा है तो अदर स्टेट को भी नहीं लागू करना चाहिए। अदर बिहार का भी स्टूडेंट दूसरे राज्य में जाके तब फॉर्म भर सकता है अगर अति डोमिसाइल लागू नहीं करेगा। इसलिए जब बिहार कर रहा है, अति बिहार नहीं कर रहा है तो अदर स्टेट को हटाना चाहिए। अगर अदर स्टेट नहीं हटा रहा है तो बिहार को भी लगाना चाहिए। अगर नीति बनाती है तो सभी जगह एक समान नीति हो, अगर दरवाजे खुलता है तो सभी जगह के खुल गया, अगर दूसरा स्टेट हमारे दरवाजे बंद करते हैं तो बिहार को भी अपना दरवाजा बंद करना चाहिए। कि जब शिक्षक भर्ती परीक्षा जब हो रही थी उस समय एक बहुत बड़ा लोगों को शिकायत था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग स्टेट से आ गए हैं और उन्होंने जो है वो सारे सीट को भर दिया है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जो इतनी दिन से तैयारी कर रहे हैं वो फिर कैसे करेंगे, और सरकार जो है वो कहा जाए पूरे देश में अपना प्रभाव दिखाना चाहती है इसीलिए वो सबको बटोर के ला रही है। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग को सीट मिलना चाहिए बिहार में, क्योंकि हम लोग को सीट नहीं मिला, बाहर के बच्चे आके सारा सीट ले रहे हैं यहाँ पे। डोमिसाइल हम लोग के यहाँ लागू होना चाहिए, सरकार ये गलत कर रही है जो हम लोग को डोमिसाइल नहीं और सारे जगह के बच्चे के यहाँ ला कर भर रही है हम लोग के सीट पे। अच्छा, लेकिन एक ये भी तो बात आ जाती है कि फिर जहाँ पे टैलेंट रहेगा वहाँ के लोग आएंगे, अगर बिहारवासी टैलेंटेड रहेंगे तो वो खुद ले लेंगे अपना। हाँ, जब बिहारवासी टैलेंट है तो भी लेंगे, जब क्योंकि दूसरा देश को थोड़े ना दूसरा राज्य को लेने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम जो है वो थोड़ा उधर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि साइड साइड के बच्चों से ही बात हो जाए और जो उधर बैठे हुए हैं वो लोग छूट जाए और फिर उनको लगे कि अगले दिन से हम साइड में बैठेंगे, तो वो जो है वो हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। क्या कहती हैं आप डोमिसाइल के ऊपर, जो है वो सरकार ने अभी कोई तरक्की नहीं दिखाई है, अभी जो है उनका कोई रुख साफ नहीं है, थोड़ा इधर आ जाइए ना, तो आप जो है बिहारवासी जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका क्या कहना है?
पहले हम लोग को मान्यता मिलनी चाहिए। जब गवर्नमेंट जो कह रही है कि बिहारवासी में टैलेंट नहीं है, तो जब टैलेंट नहीं है तो बाहर बिहार, ऐसा नहीं कहना है कि बिहारवासी में टैलेंट नहीं है। बस ये है तर्क, जैसे जब भी डोमिसाइल की बात आती है तो ये तर्क दिया जाता है कि जैसे बिहारवासी अलग स्टेट में नौकरी करते हैं, अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही अलग स्टेट के लोग भी बिहार में आए और यहाँ भी आके नौकरी। नहीं, पहले हम लोग को यहाँ मान्यता मिलनी चाहिए, हाँ, उसके बाद बाहर वाली को मिलना चाहिए। पहले बिहार वालों को, है ना, पहले बिहार वालों को। एक तो आरक्षण के कारण पहले ही सीटें घट जाती है, और उसके बाद फिर अगर दूसरे राज्य से लोग आ जाएंगे फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऊपर से वो भी हो रहा है, ऊपर से हमारे बिहार में हम लोगों के साथ ही वो पक्षपात होता है जाति जात में, कि आप ये जात के हो तो ऐसा होगा, ये जात के हो तो ऐसा होगा। जहाँ तक यही अभी तक तो यही देखते आए कि कोई भी जनरल का भी एग्ज़ाम है तो उसमें से कितनों का EWS, अगर जनरल कास्ट में तो उसमें भी कितनों का EWS नहीं बन सकता, उस पर भी हम लोग को आरक्षण चाहिए। हर जगह दो दो तीन तीन नंबर में हट जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और हम लोग का है कि EWS कुछ कुछ लोगों का नहीं बन सकता, तो EWS भी होना चाहिए कि नहीं सभी लोगों पर हो, ऐसे नहीं, ये नहीं सबका हो, सीधा आरक्षण ख़त्म किया जाए, सीधा, हाँ सीधा आरक्षण ख़त्म किया जाए, उसी को मिला जाए जो उसके लायक है, हाँ। जो नहीं है लायक, ऐसा नहीं है कि SC ST में कि सक्षम नहीं है, आर्थिक स्केल की बात, हाँ इकोनॉमी वो लग का अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो सब आरक्षण के लिए मर रहे हैं। कि आज से ये 21 अगस्त को वो आरक्षण लेके इतना हल्ला मचा रहे थे, पूरा एकदम दुकान उकान सब बंद करवा रहे थे। एक्चुअली उन लोग का इकोनॉमी अच्छे थे, फिर भी वो मतलब आरक्षण के लिए कि हमको चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए, हम लोग भी तो हैं। हंगामा करने वाले सब वाइट वाइट कुर्ता पजामा पहन के आए थे, जबकि आरक्षण को जिनकी जरूरत है उनको जाके देखिए, हाँ, कि उनके शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं है। नहीं, हाँ, तो उसको मिलना चाहिए जो उसके लायक है, जो नहीं है उसके लायक प्लीज उसको साइड किया जाए आरक्षण से। इनकम कुछ रहे लेकिन दिखाता कुछ है, तो इनकम जाके घर पे ट्राई करे कि इनकम क्या है, उसके घर पे जाके ट्राई करना चाहिए ना। अच्छा, डोमिसाइल की जहाँ तक बात आती है, तो एक जगह मैं पढ़ रही थी कि डोमिसाइल को लेके जहाँ भी डोमिसाइल का मामला है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फर्जी पर, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है कुछ लोग शिकायत भी कर रहे थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के वो लोग जो है वो डोमिसाइल का फायदा। जी मैम, डोमिसाइल तो बिल्कुल लागू होना ही चाहिए। क्यों? जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बिहार वाले भी तो अदर स्टेट में आते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? बिहार वालों को अदर स्टेट में 10% या 5% 15% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, जनरल ST SC OBC हर एक कैटेगरी में दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक बिहार के नाम पर, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम पर बिहार एक धब्बा बन गया है। बिहार के नाम पर अदर स्टेट वालों को नौकरी दिया जा रहा है, जब बिहार के बच्चों के अंदर टैलेंट ही नहीं है, शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पद पर DSP IAS बाकी किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर एक फील्ड में बिहार के बच्चों के अंदर टैलेंट है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है। ये कौन सा हुआ, ये कैसा नियम? देखिए, बिल्कुल कहा जाए ना कि ये जो मिला जुला हुआ तर्क जो है वो हमेशा आते रहता है, और अभी जो है वो कहा जाए सर शिक्षक हैं, सर के पास जो है वो हर राज्य के लोग आते हैं, तो सर के लिए तो वैसे भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बावजूद इसके हम थोड़ा सा सर से भी बात करेंगे। सर, ये बताइए कि डोमिसाइल को लेके जो है वो दो तरह की बात, दो तरह की चर्चा हमारे बच्चों के बीच में भी है कि पहली तो ये कि डोमिसाइल हमारे यहाँ ही होना चाहिए, और दूसरा बात ये भी आता है कि फिर हम भी तो जाते हैं दूसरे राज्य में, तो फिर ये कैसे चलेगा? जैसे मैम, इसको अगर देखा जाए तो दो तीन भाग अलग अलग बांट सकते हैं, जो अभी आप बच्चों से डिस्कस कर रहे थे। एक तो पहली बात आई बिहारी प्रतिभा के बारे में, उस पर आरोप लगाने वाली बातें हुई, दूसरी बात हुई डोमिसाइल को लेकर के, और तीसरी जो प्रमुख बात है कि वो सरकार की इच्छा शक्ति की बातें आ जाती है कि कहां कहां सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर शुरू से अगर आप देखेंगे तो डोमिसाइल एज ए टीचर अगर हमसे पूछा जाए तो मेरे लिए बिहार के बच्चे हों या बाहर के बच्चे हों बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन एज ए बिहारी अगर हमसे पूछा जाए तो जाकर के यहाँ थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आकर लग जाती है कि बिहार जिस तरीके से डोमिसाइल को लेकर के उदार हुई है, आप देखे होंगे TRE-1 में डोमिसाइल लागू था, 15 दिन के बाद अचानक क्या हुआ, सरकार के साथ क्या मजबूरियां रही, अचानक डोमिसाइल को हटाया गया। TRE-1 में लागू था लेकिन 15 दिन के बाद हटाया गया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में आप थोड़ा सा ले लें, तो झारखंड का आप देख लीजिए कि क्या सिस्टम है, UP का देख लीजिए क्या सिस्टम है, वेस्ट बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, आसाम चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, तो
तो लगभग स्टेट में जो विंडो सिस्टम बना हुआ है दूसरे स्टेट वालों के लिए सीमित किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ के बच्चों को ये दिक्कत नहीं है कि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ क्यों आते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे भी दूसरे स्टेट में जाते हैं। दिक्कत इस बात को लेकर होती है कि यहाँ 100% ओपन है, यानी कि यू आर मेल में 100% बाहर के बच्चे फाइट करते हैं, यू आर फीमेल में 100% बाहर के बच्चे फाइट करते हैं। अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखेंगे TRE1 में लगभग 25% अदर स्टेट के बच्चे आए, 25%, लगभग TRE2 में भी यही स्थिति रही। और जहाँ तक सरकार के इच्छा शक्ति की बातें हैं तो ये मेजर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहारी प्रतिभा के बारे में सवाल उठाया गया तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सर के द्वारा, तो उनके द्वारा बोला गया कि खास करके साइंस और मैथ में बिहार में प्रतिभाओं की भारी कमी है, जबकि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, सबको अच्छे से पता है कि यहाँ के बच्चे IIT में जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि माननीय मंत्री जी को भी ये पता नहीं था कि 2019 में आपने एस्टेट लिया और TGT PGT टीचर बनने के लिए एस्टेट होना जरूरी है, एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2। 2019 के बाद डायरेक्ट आप 2023 में एस्टेट लिए, फिर जाके 2024 में आपने एस्टेट लिया, जबकि 2019 में ही आपने घोषणा किया था कि अब प्रत्येक साल एस्टेट होगी। सवाल है कि जब आप एस्टेट नहीं लेंगे तो एस्टेट पास बच्चे आपको कहाँ से मिलेंगे? आप सीट तो दिखा रहे हैं कि 11, 12 में इतनी वैकेंसियाँ हम दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं लिए हैं जो आपके पास बच्चे कलेक्ट होंगे। वो लोगों ने हाथ उठाया था कि वो दूसरे स्टेट से भी आए हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सर ने अभी दो बातें बताई कि डोमिसाइल जो है TRE1 में, जब 15 दिन जो है वो बात चली थी कि 15 दिन जो है वो डोमिसाइल रहेगी, उसके बाद हट गया था, और उस वक्त ये अफवाह फैली थी, मैं वापस आती हूँ, उस वक्त ये अफवाह फैली थी कि नीतीश कुमार को जो है वो यूपी के फूलपुर में चुनाव लड़ना है, इसलिए वो जो है वो यूपी में ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, ऐसी अफवाह फैली थी उस समय। इसमें कितनी सच्चाई है वो लोग जानेंगे, लेकिन अभी जो है वो कौन से लोग यहाँ पर बाहर से हैं, आइए ना इधर आइए, ये बताइए कि बिहार में आप रह के तैयारी कर रहे हैं और अभी जो है वो बिहार के बच्चे चाह रहे हैं कि बिहार के लोग यहाँ पे नौकरी ना करें, पहले हमारा अधिकार हो, नौकरी करें लेकिन पहले हमारा अधिकार हो, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सभी को मौका मिलना चाहिए, हमारे झारखंड में जैसे कहा जाता है तो जहाँ का नौकरी का मामला सीटेट हुआ, एक बार एस्टेट जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद फिर आया मैं 2024 में, अभी तक निकला नहीं, वैकेंसी निकला हुआ नहीं है, और फिर मैं इसी तरह देखा है तो कितना साल बर्बाद हुआ स्टूडेंट का। तो हम लोग को बिहार में मौका दे रहा, प्रत्येक साल एस्टेट ले रहा, तो इसका जो ये मुद्दा है कि जैसे हमको झारखंड में नहीं मिल रहा है मौका, तो आप अपना सरकार झारखंड सरकार के साथ ये मुद्दा उठाएंगे? संसाधन लेकर के अलग हो गए कि हमारा संसाधन पहले हमारा हक, झारखंड तो अलग हो गया, हम लोगों के पास क्या रहा, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इन्होंने ही मांगा था ना अपना राज्य, मैम हमारा संसाधन पे पहले हमारा हक होना चाहिए, हमें अपना डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अलग हो गए 2002 में, उसके बाद बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, डोमिसाइल तो लागू होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सरकार है ये सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है, जो कोई पावर छोड़ना नहीं चाहता मैम, यहाँ के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, ये यहाँ रहेंगे तो ये पेट भरा रहेगा, तो इसे सोच सकते हैं, जब सोचेंगे सत्ता परिवर्तन के लिए चाहेंगे और वोट करेंगे। ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए, ताकि यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं वो वोट कर सकें, जातिवाद में फंस कर, और इनको सत्ता मिलती रहे हमेशा। जहाँ तक है डोमिसाइल का नीति, तो अभी देखा जाए राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, झारखंड है, सभी स्टेट ने ऐसा कह दिया है कि हमारी राज्य की नौकरी है, हमारे विद्यार्थी नौकरी करेंगे, हमारी राज्य की संपत्ति है, हमारे राज्य में ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार ने जब शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को बनाए तो उन्होंने कहा कि बिहार में टैलेंटेड है ये नहीं है, जबकि खुद शिक्षा मंत्री को ये ज्ञान नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 किया है। जहाँ तक कि ताली बजाइए तो लोग कहेगा सरकार से हट गए फिर भी भद पिटवा रहे हैं। गणित के जन्मदाता आर्यभट्ट यही बिहार के हैं, बिहार के जाने जाते हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के बड़े बड़े विद्वान भारत यही बिहार नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि बिहार में बिहार की नौकरी है, बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए,
पहले से या और स्टेट में जिस प्रकार से 10% मिलता था उसी प्रकार रहना चाहिए, बाकी बिहार के बच्चों को ही मिलना चाहिए, बिहार की नौकरी है। 17 महीने थे वो तो कहाँ एडवाइस दिए कि हाँ भाई डोमिसाइल, वो एडवाइस नहीं लागू हुआ, उनको मौका नहीं मिला। कंबाइन सरकार में ना बना था, दोनों कंबाइन जब था तभी ये लागू हुआ था, 10 लाख नौकरी देने के लिए ये किया कहा गया था। डोमिसाइल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जैसे कि होना चाहिए और हम लोग को जरूर होना, अगर नहीं होना चाहिए ना सब जगह का ये डोमिसाइल हटा देना चाहिए, मतलब अगर हमारी खिड़की खुली हुई है हटा देना चाहिए, क्या कि हम लोग भी जाके कहीं पे नौकरी कर सकते हैं इजिली। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार के जितने भी लोग हैं वो हर सेक्टर में अलग अलग राज्य में मौजूद हैं और वो लोग जो है वो कहा जाए कि तरह तरह की नौकरी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आशा भी यही रहती है। और जैसा कि सब लोग कह भी रहे थे कि अगर हमारे यहाँ पूरा का पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है तो बहुत जगह पर जो है वो कम से कम खिड़की भी खुली रहनी चाहिए और हमारे लिए जो है वो तमाम अवसर जिस तरह से हम बिहार में लोगों के लिए दे रहे हैं, अलग अलग राज्य के लोगों के लिए दे रहे हैं, उस तरह से हमारे लिए भी अगर अवसर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत तब होती है जब हम बाहर नहीं जा पाते, हम वो स्थान नहीं ले पाते। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बाय बाय। की व्यवस्था